अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फनकिंग की तरफ से आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो लेकर आया हूं जो आपने शायद कभी ना सुनी हो और इसके बारे में ना ही कभी इंफॉर्मेशन हासिल की हो। अफगानिस्तान का वो इलाका जहां रहने वालों को मुल्क में जारी जंग के बारे में मालूम ही नहीं है और ना ही इन्होंने कभी तालिबान का नाम सुना है और ये केस मुमकिन है जानकर आपको भी हैरत होगी। और इससे पहले, इस वीडियो को जारी करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसके कोई चार्जेस नहीं होते, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। काबल शहर ही दुनिया में कोई शख्स ऐसा हो जो अफगानिस्तान में तालिबान की हुक्मरानी से लाइल्म हो और फिर अफगानिस्तान पर अमेरिका का हमला जिसमें इस्तेमाल किए गए बारूद की वो दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही है। दुनिया में कौन होगा जो इस हमले के बारे में ना जानता हो, मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि खुद अफगानिस्तान ही में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ के अक्सर बासी तालिबान और अमेरिका के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते। इन्हें कतन इल्म नहीं है कि कभी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई थी और फिर अमेरिका ने हमला किया था और इनके मुल्क में जंग हुई थी। इस इलाके का नाम वखान है जो दुनिया में वखान कॉरिडोर के नाम से मशहूर है। ये इलाका पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सतह समुंदर से 4500 मीटर की बुलंदी पर एक तंग पट्टी की सूरत में मौजूद है जो बेआबाद वगैया चटील मैदान और पहाड़ पर मुश्तमिल है और यहाँ लगभग 12,000 लोग आबाद हैं। बरतानी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2016 में एक फ्रांसी फोटोग्राफर एरिक लेफोरिग ने इस इलाके का दौरा किया और तस्वीरें बनाकर दुनिया को इस इलाके के लोगों और उनकी तर्ज बुदबास रोशन करवाया। यहाँ के लोग इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते हैं और पहाड़ी बकरियाँ और जंगली गाय पालते हैं और ज़्यादातर इनका दूध और गोश्त पर ही अपना गुजारा चलाते हैं। इनके घर इंतहाई सादा और मखसूस रवायती तर्ज तमीर के आकाश हैं और घरों की तमीर पत्थर और प्लिस्तर वगैरह से की जाती है और तमीर में मजहबी पहलू को भी बिलखसूस मद्दनजर रखा जाता है। यहाँ घर के हर कमरे की छत 5 सतून पर खड़ी की जाती है जो इस्लाम के 5 अरकान कलमा तहिबा नमाज रोज़ा हज जक़ात की अकासी करते हैं और छत में रोशनी के हसूल के लिए एक सुराख रखा जाता है जिसे मकामी जबान में चोर खाना कहते हैं और यहाँ के लोग बैरूनी दुनिया से मुकम्मल तौर पर कतन तल्की की जिंदगी गुजार रहे हैं और कहा जाता है कि इनकी नस्ल 2000 साल से वखान के पहाड़ों में आबाद है और ये एक खूबसूरत कबीले के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, आपकी मेहरबानी होगी।